अब तक हमने क्या किए हैं, सिर्फ दो चीज़ें की हैं कायदे से देखा जाए तो, एक ग्रुप होना क्या मीनिंग रखता है और एक अबेलियन ग्रुप होना क्या मीनिंग रखता है, और उसी से एसोसिएटेड कुछ रिजल्ट्स थे। अबेलियन में हमने 5-6 रिजल्ट्स कर लिए हैं, और ग्रुप वाले में जैसे शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी है, ए बी का होल इनवर्स वाला, और कैंसिलेशन लॉज है, यही सब किए हैं। आइडेंटिटी इज यूनिक, इनवर्स इज यूनिक। अब देखो भाई क्या आने वाला है आपके पास। यस, लास्ट क्लास, लास्ट क्लास। क्या आपको ये क्वेश्चन याद है? अबेलियन के केस में ऐसा होगा, याद है? हेलो, इसमें यस सर देखिए, इसमें सबसे थ्रिलिंग स्टेप या सबसे चैलेंजिंग स्टेप या सबसे नोटेबल स्टेप क्या था, याद करो जरा। देखो निराश मत करना, याद नहीं है? जीरो वाला था, पॉजिटिव वाला था या नेगेटिव वाला था? सबसे कमाल की चीज़ थी नेगेटिव वाला स्टेप, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। ओके, तो बिल्कुल उसी उसी फॉर्मेट से होते हुए या उसी की तरह का एक क्वेश्चन आने वाला है। भाई देखिए, पहले आप लोग ट्राई करेंगे फटाफट। ऊपर शायद कट रहा है, ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को या नीचे लिखूं? हेलो, यस ठीक है ना? ठीक है तो करिए, कीजिए फटाफट, कीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आपका सिर्फ एंड ऑफ पर बेटर। देखो भाई, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ना आप अपने आप को निराश करें ना मुझे निराश करें। अभी मैंने बोल ही दिया जैसे कि आपको एन बिलोंग कर रहे हैं जेड प्लस में, तो भाई देखो आप लोग इंडक्शन से कर सकते हैं, है ना? इंडक्शन से कर सकते हैं, बाकी वो आएगा कैसे वो सुन लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एवरी वन, वॉट इज बी ए बी इनवर्स होल रेस्ट टू पावर 3? हाँ जी माई डियर, बी ए बी इनवर्स दैट वुड बी बी ए, एसोसिएटिव लॉ, बी इनवर्स बी। हाँ जी, ये हो गया आपका बी ए ई ए ई ए बी इनवर्स, ई तो साथ ही हो जाएगा। हाँ जी, आप सबको नजर आ गया क्या होने वाला है? हेलो, हाँ बोलो। जैसे थर्ड पावर के लिए किया, ऐसे ही फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सबके लिए यकीन हो गया ना कि आ जाएगा, मतलब पावर जाके सीधा ए के ऊपर लगनी है। एम आई राइट? हेलो, यस ओके ओके। तो सर यस सर ज़रा देखिए, अभी इंडक्शन से करेंगे पहले इसको, इंडक्शन से। यू नो वी शैल प्रोसीड बाई इंडक्शन ऑन एन। हाँ जी, फॉर एन इक्वल टू वन, नथिंग टू प्रूव। उसके बाद एज्यूम फॉर, दैट इज ये ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, वी फाइनली शो फॉर, सो लेट अस कंसिडर कितनी पावर के लिए करना है, के प्लस वन के लिए। सो बी ए बी इनवर्स का पावर के प्लस वन। आई होप आप मुझे निराश नहीं करेंगे। के प्लस वन को ओपन करके लिखा जा सकता है केथ पावर अलोंग विथ फर्स्ट पावर, या फर्स्ट पावर अलोंग विथ केथ पावर, एनीथिंग यू कैन राइट। हाँ, सो इट इज़ बी ए बी इनवर्स का केथ पावर अलोंग विथ बी ए बी इनवर्स का फर्स्ट पावर, ठीक है? हाँ जी, क्या इसका केथ पावर अंदर आ जाएगा? ये रहा ना इंडक्शन हाइपोथेसिस, तो बताइए ज़रा। बी ए के बी इनवर्स, बी ए बी इनवर्स, यस,
बी ए के बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स विच इज बी ए के ई ए बी विच इज सेम एज बी ए के ए बी। हाँ जी क्लियर हो गया आपको? हाँ बोल दो। यस सर। करिए फटाफट कीजिए जल्दी। हाँ चलेगी। एंड जैसे मैं चाहता हूँ या जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा वही वाला काम करना है आपको। प्रॉपर रीजन देना है यहाँ से या तो कुछ नहीं यहाँ से या इंडक्शन हाइपोथेसिस। देन एसोसिएट उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जब कंप्लीट हो जाएगा तो बता दीजिएगा। क्या ग्रेट। बाकी स्टूडेंट्स ठीक है? अब रुक जाओ, मैंने इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको लास्ट क्लास का रेफरेंस दिया था। ए बी पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन वेयर एन इज एन इंटीजर। तो ये प्रॉब्लम जब भी आया है उसमें एन जेड प्लस नहीं था, उसमें एन इंटीजर था। तो सर जेड प्लस वाला क्यों आपने अलग से कर दिया? अलग से इसलिए किया कि वो बीच में आएगा। इतना सब तामझाम लिखना पड़ेगा। जरा आइए साथ आइए। जी आर यू रेडी फॉर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस? एन बिलोंग्स टू जेड का मतलब तीन केसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे? जीरो पॉजिटिव नेगेटिव। आर यू रेडी? यस यस। सॉल्यूशन अभी लिखो नहीं। नोबडी विल राइट, कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा। केस नंबर वन एन इक्वल टू जीरो। कितना होता है एनीथिंग रेस टू पावर जीरो? क्या बोले? ई। वन हाँ ऐसे ना करो यार, अरे देखो मेरे पास मेरे तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। नहीं नहीं सर ये होता है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस जीरो के केस में हो गया। केस नंबर टू एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। यहाँ लिख रहा हूँ मैं वी शैल प्रोसीड बाय इंडक्शन। अभी किया जी, ये पूरा आपको शो करना पड़ेगा। क्या शो करना है? वही जो आपने अभी किया था। वही क्लियर है? हाँ जी सर। केस थ्री एन बिलोंग्स टू जेड माइनस। ये है भाई कमाल की चीज। दैट इज आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। प्रवचन सुनना तो ठीक ही रहता है जी। एवरी नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव ऑफ सम पॉजिटिव नंबर, दैट ओके? कोई भी नेगेटिव नंबर नेगेटिव ऑफ सम पॉजिटिव नंबर लिखा जाएगा। दैट इज एन कैसे लिखा जाएगा? एन शुड बी इक्वल टू माइनस एम। वेयर? बोले बोले। ये कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही है क्लास में? इतनी सी चीज बोलनी है, आप यहाँ वहाँ की बातें सुना रहे हैं, आप गलत बातें। ऐसे मत करो यार, आ जाओ। यार स्टूडेंट्स ये केस थ्री लास्टली आपके साथ आने वाला है, जरा साथ आइए। देयर फोर वॉट इज बी ए बी इनवर्स होल पावर एन? नाउ दिस विल बी इक्वल टू बी ए बी इनवर्स होल पावर में माइनस एन। दिस विल बी बी ए बी इनवर्स एम होल पावर में माइनस वन। लास्ट क्लासेस में ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही किया जी। अब एम को देखिए क्या एम अंदर चला जाएगा? अरे भाई एम जेड प्लस में है और जेड प्लस के लिए तो आप कर चुके हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं माय डियर? देखिए निराश नहीं कीजिएगा। बी ए एम बी इनवर्स होल इनवर्स, यहाँ रीजन देना है। सिंस एम बिलोंग्स टू जेड प्लस तो वी कैन यूज वॉट द प्रीवियस रिजल्ट। पता लग रहा है आप लोग पढ़ के नहीं आए मेरी क्लास में, बिना पढ़े मत आया करो। आपका सफर मेरे साथ ही चलना है आगे, कोई बात नहीं। हाँ जी इसका इनवर्स बताइए शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी लगा के।
इनवर्स का इनवर्स बी ए माइनस एम बी इनवर्स। देखो भाई क्या ये बराबर आ गया बी ए एन बी इनवर्स के, बिकॉज एन तो माइनस एम था। देख लीजिए क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल वही सेम स्टेप्स हैं। एम आई राइट? जैसे हमने लास्ट तो लास्ट क्लास में केसेस बना बना के किया था, कॉपी करिए। फटाफट कॉपी कीजिए, आगे वाले दो प्रॉब्लम्स बहुत चैलेंजिंग हैं। लास्ट क्लास का मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लेना। डन, लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, लिख लो ठीक से लिख लो। आप लोगों का एग्जाम कब है ग्रुप्स का? 27 फेब। ठीक है, नेक्स्ट है ना। जब कंप्लीट, यस मैं फिर भी किसी को मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए। प्लीज फॉर्मेट देख लीजिए, केस वन केस टू केस थ्री वैसे ही लास्ट क्लासेस जैसे ही बने। नेक्स्ट, यस दिस प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नज़र तो आ रहा है। लेट जी इज इक्वल टू ए ए ए ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, शो दैट जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए आप करेंगे या मैं करूँ, मेरे साथ आओ। पहले गिवन क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, इसके अंदर मेंबर्स कैसे कहते हैं। देखो भाई ऑल ऑफ यू, सारी एंट्रीज एक तो इक्वल होनी चाहिए, तो ये चारों एंट्रीज इक्वल हैं, यहाँ भी चारों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ चारों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये मेंबर नहीं हो सकते। ना सिर्फ एंट्रीज इक्वल है बल्कि एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए। सो दिस इज अ मेंबर, दिस इज, हालांकि इक्वालिटी वॉज एवरीवेयर बट स्टिल नॉट अ मेंबर। मेंबर कैसे लेना है आपको समझ में आ गया? मेंबर शुड लुक लाइक एक्स 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 वेयर एक्स इज नॉन जीरो। हेलो इज इट ओके? जी का कोई भी मेंबर ऐसे लेना है, इज दैट ओके? आइए यस जरा इसको ग्रुप प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक है, तो ग्रुप प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, उनका क्लोजर लेना है। दो एलिमेंट्स कैसे देखेंगे? तो पहला क्लोजर या जी वन, लेट ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू बिलोंग। तो अरे ठहर जाओ भाई, ऐसे बीच में ढूंढना छोड़ेंगे, साथ रहिए। हाँ जी, ए आपके पास है, बी आपके पास है,
व्हाट अबाउट ए बी? यस, टू ए बी, टू ए बी, टू ए बी, टू ए बी. क्वेश्चन नंबर वन, आर ऑल एंट्रीज इक्वल? यस. क्वेश्चन नंबर टू या कंडीशन नंबर टू, आर एंट्रीज नॉन जीरो? अरे भाई जब दोनों नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो ही है. मैं रीजन दे रहा हूँ, सिंस. क्लियर हो गया? हेलो. यस सर. यस यस ओके. नंबर टू एसोसिएटिव लॉ अपने आप ही लिखिएगा. नंबर थ्री आइडेंटिटी. हाँ जी, अब निकलेगा आपका टैलेंट कि कितना आता है आप लोगों को. जरा साथ दीजिए एवरीवन. आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे? कोई बच्चा आप ही में से ये सोच रहा है अगर कि आइडेंटिटी तो यहाँ का लेना चाहिए हमको 1001. अगर आपने यहाँ 1001 लिया, माय डियर, 1001 इज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ द सेट. व्हाई? कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो ये आइडेंटिटी नहीं है. अब क्या करेंगे? चलो सर 0000 ले लेते हैं. अरे कहाँ से लोगे, तो मेंबर ही नहीं है. ये क्या है भाई? मैट्रिक्स का सेट सामने है, आइडेंटिटी जो हम 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो भी सामने है, लेकिन इसमें नहीं है. तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा और कैसे निकालेंगे भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर. यस सर. अब आपको वर्कआउट करना है आइडेंटिटी के लिए, निकालना है. कैसे निकालेंगे सर वो देखिए, ध्यान से देखिए. जब इस सेट के मेंबर्स सारे ऐसे हैं तो आइडेंटिटी भी ऐसे ही होगा. साथ दो आइडेंटिटी. सपोज दिस 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 बी द आइडेंटिटी. अगर ये जी का आइडेंटिटी है तो भाई किसी भी एलिमेंट के साथ इसको अगर हमने कंबाइन किया तो वही एलिमेंट लौट के आना चाहिए. ये अननोन है, अगर इस अननोन को दूसरे अननोन के साथ कंबाइन करेंगे तो जो आंसर आएंगे वो भी अननोन ही आएंगे. तो नोन के साथ कंबाइन कर लीजिए. जरूरी है क्या ए ए ए लेना? आप इसके साथ कंबाइन कर लो भाई. आइडेंटिटी तो सबके साथ सेम वे बिहेव करेगा. वन 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 वन, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? थैंक यू. सो दिस इम्प्लाइज टू ई, टू ई, टू ई, टू ई. दिस शुड बी वन 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 वन. हाँ जी, दिस इम्प्लाइज टू इज वन. बेटा जी बात समझ में आ गई? तो इस सेट का जो आइडेंटिटी, इस सेट का आइडेंटिटी क्या होगा? हाफ 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 हाफ. कमाल है भाई, जीरो कहाँ से आ गया? जीरो पॉइंट फाइव. 0.5. अरे भाई साहब मैं डर लग रहा है मेरे को तो आपके एक्सप्रेशन से. ऐसे मत करो यार, हार्ट फेल. अब अगेन मेरा हार्ट फेल हो जाता अभी तो पता नहीं क्या कह रहा था बच्चा. तो देयरफॉर आइडेंटिटी ऑफ जी इज 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. सॉरी, आगे देखिए. ठीक है, आपने आइडेंटिटी तो निकाल लिया, अब निकालेंगे इनवर्स. वो भी बहुत क्लासिक है, छोड़ना क्यों. हाँ जी, मान लिया आपने ये आपका एलिमेंट है जी में और उसका इनवर्स ये है. मैट्रिक्स वाला इनवर्स उस तरीके से नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं जी. ये इसका इनवर्स मान लीजिए, आप बी ले सकते हैं बी, नहीं तो फिर ऐसे ले सकते हैं. हाँ जी, आपके और हमारे दिमाग में कैपिटल सिंबल इस तरीके से घुसा हुआ है कि जहाँ ये दोनों साथ दिख गए आप 1001 लिख देंगे. तो मैं ये लिख ही नहीं रहा, मतलब ऐसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ. लेट A A A A belongs to G and that
इट्स इनवर्स इज ये। हाँ जी, अगर ये दोनों मेट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यू आर नॉट इन 12th क्लास। सही सुना आपने, आप 12वीं क्लास में नहीं है कि ए ए ए ए अलोंग विद ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स। माय डियर, ये आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। अरे भैया, वो 12th क्लास वाला आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी ऑफ द अंडरलाइंग सेट, आइडेंटिटी ऑफ द अंडरलाइंग ग्रुप, उसका आइडेंटिटी ये रहा। दिस इज नॉट 1001। हाँ जी, बात समझ में आई थी? यस सर। So this implies rest, you know, 2A A inverse, 2A A inverse, 2A A inverse, 2A A inverse equal to 1 by 2, 1 by 2. Okay, let me write. So 2A A inverse is 1 by 2. Zara thehar jaiye. हाँ जी, ये वन ओवर समथिंग या पी बाई क्यू टाइप चीज़ तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो। तो ये ए नॉन ज़ीरो का रोल यहाँ समझ में आता है, और उसके बाद और भी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। देयरफॉर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, हाँ जी, इसका इनवर्स इसके बराबर था, बट ए इनवर्स अपने आप में ही है। तो बेटा क्या आएगा इनवर्स, ज़रा बता दीजिए। चलो, सबको क्लियर हो गया? हेलो, आर यू देयर? यस सर। कॉपी करना पड़ेगा भैया, क्लासिक क्वेश्चन, दिस वाज अ क्लासिक क्वेश्चन। गलत तो नहीं कह रहा, अच्छा था ना? अब अच्छा भी नहीं बोलोगे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली बोलना ही पड़ेगा आपको। करिए, कॉपी कीजिए फटाफट। हो गया, बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, वो टाइम तो लगेगा। जी, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आइडेंटिटी और इनवर्स आप लोगों ने, आपको दिख नहीं रहे थे, आपने निकाला है। अब एसोसिएटिव लॉ, बिकॉज ये क्वेश्चन जब भी आया 5 मार्क्स के लिए आया, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए सुन लीजिए क्या लिखना है आपको। ए बी सी अलॉन्ग विद ए बी सी कैन बी शोन। रेडी फॉर नेक्स्ट? यस सर। नेक्स्ट ग्रुप है आपका, द ग्रुप्स जी एल एन एस।
जिस तरह कल आपने या लास्ट क्लास में आप लोगों ने जेड एन और म्यू एन पढ़ा था अच्छे से, वैसे जी एल और एस एल पढ़ेंगे आज अच्छे से। देखो पहला यस प्लीज, पहले मीनिंग समझिए फिर ज़रा साथ आइए। तो जी एल एन आर एस एल एन आर, ये एन बताता है मैट्रिक्स का मतलब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन, एम क्रॉस एम, टू क्रॉस टू, थ्री क्रॉस, वो वाली चीज़। तो जी एल एन आर, और ये आर मतलब एंट्रीज। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख दिया जी एल थ्री आर, तो आपको थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसकी एंट्रीज रियल है। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, सो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसकी एंट्रीज इंटीजर्स हैं, या ऐसे लिया आपने तो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स लेना है जिसके एंट्रीज रैशनल है। अब इनके अंदर भी चलते हैं कि कैसा मैट्रिक्स लेना है। तो जी एल एन आर में ऐसा एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लेना है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और एस एल एन आर में ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका डिटर्मिनेंट आपका वन होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो इट इज, यस एम आई राइट, कलेक्शन ऑफ ऑल एन क्रॉस एन रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बोलो भाई। अरे भाई हो क्लास में या नहीं हो, कहाँ गए हमारे सारे सपोर्टर? बिल्कुल डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो इन्वर्स तो आ ही जाएगा। यहाँ भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, लेकिन इसको इन्वर्टिबल बोलना नहीं, इसको बोलना है विद डिटरमिनेंट वन। सो लेट मी राइट, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस विद डिटरमिनेंट वन। अब आगे सुनिए जरा, पूरा नाम सुनिए। जीएल को बोला जाता है जनरल लीनियर, एसएल को बोला जाता है स्पेशल लीनियर, जनरल लीनियर, स्पेशल लीनियर। जनरल लीनियर में सिर्फ ऐसा मैट्रिक्स देखे जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, और स्पेशल लीनियर में ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट स्पेशल वैल्यू ले रहा है। एंड व्हाट इज दैट स्पेशल वैल्यू? वन। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीएल में होने के लिए डिटरमिनेंट सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट का वैल्यू वन विल वर्क, हाफ विल वर्क, रूट टू विल वर्क, ये सब नॉन जीरो क्वान्टिटीज है, सब चलेंगे। लेकिन यहाँ होने के लिए डिटरमिनेंट स्ट्रिक्टली वन ही होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे ही बताइए। मैं चार एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, जी वो जी एल का मेंबर होगा या एस एल का मेंबर होगा? प्लीज सेंसिबली चलिएगा, आप सबको बोला जा रहा है सेंसिबली चलेंगे। Yes, all of you. आइए। देखो फर्स्ट भाई भाई, प्लीज वेट ऑल ऑफ यू, क्लास एंड हो जाएगी तो जब तक मैं ना बोला तब तक आपको जाना नहीं है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। पहले आइए बेटा, यहाँ पे डिटरमिनेंट आपका टू है विच इज नॉन जीरो, सो दिस इज अ मेंबर ऑफ जी एल बट नॉट ऑफ एस एल। वाई? क्योंकि एस एल में होने के लिए डिटरमिनेंट स्ट्रिक्टली वन होना चाहिए था। नहीं, अच्छा यहाँ का डिटरमिनेंट बताओ। जी अगेन माइनस वन, माइनस वन नॉन जीरो में काउंट होगा, वन में काउंट होगा। बहुत बढ़िया, इसका डिटरमिनेंट बताइए। वन तो वन है, वन वन है, वन है, तो नॉन नॉन जीरो भी तो है, नॉन जीरो भी तो है। क्या क्या इशू है? बात समझ में आई भाई? डिटरमिनेंट अगर वन है तो वन तो है ही, और नॉन जीरो भी। ओके यस, नीदर, किसी में नहीं बिलोंग करेगा। लास्ट वाले का डिटरमिनेंट भी जीरो है, किसी में बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा अब जरा ये बताइए, ये कहाँ बिलोंग करेगा? यस
दोनों में आपके लिए, कॉपी करिए। जीएल और एसएल का मीनिंग समझ में आ गया? व्हाट इज जीएल एंड व्हाट इज एसएल? सर कॉपी कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कराया जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। उसके लिए आपको मॉड्यूलो का, म्यू एन का, जेड एन का, एडिटिव मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो, जनरल लीनियर, स्पेशल लीनियर, ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छे से आज की क्लास, लास्ट क्लास और पहले की क्लासेस पढ़ के आइए। पढ़ के आओगे मतलब सर बढ़ के आएंगे। ओके ये हो गया ना। अब आइए जरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आप और हम। देखो भाई प्रॉब्लम है, तो दैट जी एन एन आर द ग्रुप with respect to matrix multiplication. How we? Yes, पहला एग्जाम क्लोजर। अगर ए और बी आपके जी एल में है भाई, ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अगर ए और बी आपके जी एल में है तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो। इतना क्लियर है आपको? मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिजल्ट देखिए। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, सो दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो जी एल में बिलोंग करेगा। एम आई राइट? यस सर। देखिए थोड़ा सा तो आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना ही चाहिए। एसोसिएटिव लॉ वैसे ही लिख दीजिएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा। डोंट वरी, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। जी थ्री आइडेंटिटी। हाँ जी, यहाँ तो आइडेंटिटी विल वर्क। ये देर एग्जिस्ट आई इक्वल टू वन वन वन, यू नो एन क्रॉस एन, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो है भाई। ये बड़ा वाला जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? वन आएगा, वन आएगा ना, चाहे कितने बड़े ऑर्डर का क्यों ना हो। यस सर। ये लो ऐसे ही, अब इनवर्स वाला देख लो। ध्यान से देखिएगा, लेट ए बिलोंग्स टू डी एन, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दैट इज ए इज इनवर्टिबल, सो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट। देखो भाई रास्ते पे चलते हुए थोड़ी क्लैरिटी हो कि किधर जाना है तो ठीक रहता है। ये स्टेटमेंट्स वगैरह या लाइंस वगैरह लिख दी गई हैं। आर यू देयर? हाँ, अभी टाइम बचा हुआ है, मैं कह रहा हूँ लाइंस वगैरह लिख दी गई हैं, पहले क्लियर तो हो जाएगी करना क्या है, हमें करना क्या है। लेट मी राइट टू शो। आपने एक एलिमेंट लिया है इसमें, तो आपको ये दिखाना है, एम आई राइट? अगर कोई मेंबर जी एल में है तो उसका इनवर्स भी जी एल में है। जी, जी एल में होने के लिए मैट्रिक्स का क्या नेचर होना चाहिए? मैट्रिक्स नॉन जीरो होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। आंसर दो भैया। डिटरमिनेंट। अब उसका डिटरमिनेंट कैसे एग्जिस्ट तो कर गया, बिलोंग कैसे करेगा? नोट, लीजिए, खुश हो जाइए। This implies this,
अलॉन्ग विद दिस इज दिस। हाँ जी, ये नॉन जीरो है, अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो होना चाहिए था, तो आपके सामने है ही काम। दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स नॉन जीरो, तो दिस इम्प्लाइज, जी जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कुछ कह रहा था, यस क्लोजर इज देयर, एसोसिएटिव इज देयर, आइडेंटिटी इज देयर, इनवर्स इज देयर। अब इसके पहले कि आप गायब हो जाएं क्लास से, एक होमवर्क है आपके लिए। हाँ जी, होमवर्क, एस एल एन आर इज अ ग्रुप, इसको आपको शो करना है। अब ज़रा देखो क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे एस एल में और जी एल में। हाँ जी, एस एल में, एस जी एल में होने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, एस एल में होने के लिए डिटर्मिनेंट कितना बोला था, कितना बोला था, वन वन वन। तो देखिए ज़रा, अगर जी एल की जगह मैं ऑरेंज में लिख रहा हूँ, जी एल की जगह अगर आपका एस एल होता तो यहाँ वन आता, यहाँ वन आता, और ये भी आपका 1.1 हो जाता। चेंजेस कर लेना, ठीक है, दिस इज़ फाइन। ये तो एस एल में बिलोंग करेगा, ये भाई जिसका डिटर्मिनेंट वन आएगा वो तो एस एल का ही मेम्बर है। अच्छा यहाँ आइए, ये सब ठीक है, यहाँ आप बोलते हैं एस एल, जैसे ही एस एल में आता वैसे ही डिटर्मिनेंट आपका वन हो जाता, डिटर्मिनेंट वन हो जाता, डिटर्मिनेंट वन हो जाता। तो ये देखो जरा, जी फ्रॉम हियर ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए, कहाँ कहाँ चेंजेस हैं। हेलो, हेलो, आर यू देयर। यस सर, तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, जी एल का प्रॉपरली मैंने आपको करा दिया है, एस एल का प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। मैं ये सब हटा रहा हूँ, ऑरेंज वाला सब हटा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में तो आ ही गया, लेकिन कॉपी करते वक्त आप अननेसेसरली कंफ्यूज रहेंगे। बस क्लास ख़त्म हुई ही समझो। चलिए, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, बाय। इसके बाद नहीं सर। नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इतना करके आइए पहले, ओके सर, लास्ट टू क्लासेस ज़रूर करिएगा, आज आज का क्लास और लास्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। एंड कर दीजिए।